नमस्कार, आप देखें एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। स्वागत है आपका आप उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एकलव्य विद्यालय खटीमा मैदान में पहुंचकर एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय समेत 45,54,49,000 की कई योजनाओं का लोकार्पण और 223,37,82,000 की 84 योजनाओं का शिलान्यास किया है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने घोषणा करते हुए कहा कि उत्तराखंड में खेल विश्वविद्यालय का निर्माण हो रहा है, जिसका नाम महाराणा प्रताप के नाम पर रखा जाएगा। खटीमा में कंजाबाग तिराहे का नाम महाराणा प्रताप के नाम पर रखा जाएगा। इस चौराहे पर महाराणा प्रताप की प्रतिमा स्थापित की जाएगी और खटीमा में महाराणा प्रताप प्रशासनिक अकेडमी प्रशिक्षण केंद्र का भी निर्माण किया जाएगा। खटीमा के जनजातीय बाहुल्य क्षेत्रों में भूमसेन का निर्माण किया जाएगा। ये बहुत पुराना, एक लंबे समय से एक मेरा ये ड्रीम प्रोजेक्ट था कि इस क्षेत्र में हमारे जनजाति के बच्चों को उत्थान के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए, उनके अच्छे शिक्षा के लिए इस क्षेत्र में एक अच्छा विद्यालय होना चाहिए। उसको लेकर लगातार पिछले कई वर्षों से मैं प्रयास कर रहा था। अंततः पिछले 2019 में एकलव्य आवासीय विद्यालय हमारा, इसका ये स्वीकृत हुआ और आज मुझे बेहद खुशी है कि वो बनकर तैयार हो गया है हमारे इस क्षेत्र के सभी बच्चों के लिए, आसपास के क्षेत्र के सभी जनजातीय बच्चों के उत्थान के लिए, उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए, उनके आगे आने के लिए और एक मैं कहूँ कि विकास की गति को आगे लाने के लिए हमारे सभी बच्चे इसमें पढ़कर इस क्षेत्र के वो आगे जाकर विभिन्न क्षेत्रों में जाकर हमारे इस पूरे क्षेत्र का नाम रोशन करेंगे। हमारा एक बड़ा सपना और एक मील का पत्थर आने वाले समय में साबित होगा। आज होलियारों के साथ यहाँ पे आपने जनजाति के लगातार इस तरह से करते रहे, आज भी इनके साथ नृत्य किया, देखिए ये चूँकि हमारे यहाँ की एक पारंपरिक होली है, थड़वाट की होली जो इस प्रकार से खेली जाती है और सभी कलाकारों का और सबका आज एक आग्रह भी था और एक अच्छा खुशी का दिन भी था, तो सभी ने जो है होली खेलकर जो है आज इसको। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड में चुनावी शंखनाद कर दिया है और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ हरिद्वार में विजय संकल्प यात्रा को रवाना किया है। तो वहीं हरिद्वार के कुंभ क्षेत्रीय पंतदीप मैदान में आयोजित कार्यक्रम में अब की बार 60 पार पर एक बार फिर बीजेपी सरकार के नारे के साथ नड्डा ने विजय संकल्प यात्रा को हरी झंडी दिखाई और रोड शो में भाग लिया। तो वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार के चलते उत्तराखंड में ऑलवेदर रोड, कर्णप्रयाग रेल लाइन और दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे जैसी महत्वाकांक्षी परियोजनाएं आकार ले रही हैं और कहा कि उत्तराखंड के आर्थिक और सामाजिक विकास का रोडमैप तैयार हो रहा है। बीते 5 वर्ष में प्रदेश में हर वर्ग, हर क्षेत्र के विकास के लिए काफ़ी कुछ किया गया है, लेकिन कोरोना के कारण कुछ काम बाकी हैं और उन्हें पूरा करने के लिए बीजेपी सरकार कृतसंकल्प है। बहुत उत्साह देख रहा हूं मैं, आपसे चाहूंगा कि कैमरा जरा इधर कीजिए और दिखाइए किस तरीके से जन सैलाब है। मैं चाहूंगा कि आप अपना कैमरा इधर दिखाइए। डबल इंजन की सरकार को लोग आशीर्वाद देने के लिए आतुर हैं, मोदी जी का आशीर्वाद है और मुख्यमंत्री जी ने धरती पर सारी बातों को उतारा है। यहाँ मदन कौशिक ने पूरी ताकत से विकास किया है तो लोग डबल इंजन की सरकार को आशीर्वाद देने के लिए आतुर हैं और मैं जन समर्थन और उत्साह देख रहा हूं। विजय संकल्प यात्रा 41 विधानसभाओं में होकर के आएगी और सब जगह आशीर्वाद लेगी। का हिसाब मांगते थे, आज ऐसे लोग भी राजनीति के चक्कर में उनके बड़े बड़े पोस्टर लगा रहे हैं। उत्तराखंड की जनता भली भांति जानती है, उत्तराखंड की जनता बहुत राष्ट्रवादी है, इसलिए हमारा विजय का संकल्प, विकल्प रहित संकल्प हमारा पूरा होगा। उत्तराखंड की जनता के आशीर्वाद से हम आगे बढ़ेंगे। आपको क्या लगता है 60 पार का नारा जो दिया है वो बिल्कुल? हाँ, निश्चित रूप से इस बार हमारी जो हमने जो नारा दिया है अब की बार 60 पार, उसको हम निश्चित रूप से जो है। तो वहीं उत्तराखंड में अवैध खनन को लेकर वन विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत पर यूं तो आरोप लगते ही रहे हैं, लेकिन इस बार विभागीय मंत्री ने अपनी ही विधानसभा क्षेत्र में अवैध खनन को लेकर सवाल उठा दिया है। दरअसल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हाल ही में अवैध खनन को लेकर विपक्ष के निशाने पर थे और आरोप था कि मुख्यमंत्री कार्यालय से अवैध खनन की गाड़ियों को छुड़ाने के लिए पत्र लिखा गया था। तो वहीं इसी पत्र को दिखाते हुए मुख्यमंत्री पर अवैध खनन करने का आरोप लगा था। ताजा मामला वन मंत्री हरक सिंह रावत के गृह जनपद का है।
जहां पर वन क्षेत्र में अवैध खनन की पुष्टि हुई है। और खास बात यह है कि वन मंत्री हरक सिंह रावत ने इस मामले में फौरन लैंड साउंड डीएफओ दीपक सिंह पर कार्रवाई करते हुए उन्हें वन मुख्यालय में अटैच कर दिया है। और इतना ही नहीं, लैंसडाउन के डीएफओ के खिलाफ जांच भी बिठा दी गई है। और मेरी विधानसभा क्षेत्र में इस तरह के गलत तरीके से खनन हो रहा है। मैंने यहाँ के अधिकारियों से, मैंने चीफ गढ़वाल पटनायक जी से कहा था कि इसकी जांच कराएं। जो जांच रिपोर्ट आई है उस पर उन्हें जांच टीम ने इस बात को स्वीकार किया है कि यहाँ अवैध रूप से खनन हुआ है और बहुत बड़े खड्ड हुए हैं जो कि रिवर ट्रेनिंग के नाम पर, मैं सोचता हूँ कि, और क्योंकि इससे मेरी छवि पर कुप्रभाव पड़ रहा था, ये लोग ये सोचते थे कि शायद मैं वन मंत्री हूँ और वन विभाग मेरी देख रेख में खनन कर रहा है। इसलिए आज हमने इसके निष्पक्ष जांच हो सके, यहाँ के डीएफओ को मैंने आज ही पत्र लिखा है और आज ही निर्णय लिया है कि यहाँ के लेसरोन के डीएफओ को तात्कालिक प्रभाव से वन मुख्यालय में संबंध किया जा रहा है, उनके खिलाफ जांच की जाएगी और अगर वो जांच में दोषी पाए गए तो उनके खिलाफ सरकार कठोर कदम उठाएगी। तो ये मैं सोचता हूँ कि ये जो धुंध था, जो लोगों को लगता था कि, क्योंकि मुझे कई बार लोगों ने कहा कि इस तरह का खनन हो रहा है, लेकिन मुझे लगा कि शायद ये नियमों के तहत हो रहा होगा, लेकिन मुझे जानकारी मिली है कि कोई नियमों के विरुद्ध, क्योंकि वन क्षेत्र में बहुत साफ है कि रिवर ट्रेनिंग के नाम पर आप जो है नदी के बीच में सफाई करेंगे, दोनों तरफ उसको वो कर देंगे, लेकिन ये अवैध खनन डेफू के देख रेख में हो रहा है, इसलिए उनके खिलाफ आज ये सरकार ने कदम उठाया। नहीं, आज उन्होंने खुद कार्रवाई की है और ये हमारे मुख्यमंत्री जी की नीति का एक अंग है। अगर कहीं पर भी कोई गलत कार्य हो रहा है, गलत खनन हो रहा है, तो छापेबाजी की जा रही है और इसी का परिणाम ये है कि खनन कार्य जो हैं वो कानूनी रूप से आगे बढ़ रहे हैं और इसका फ़ायदा आम जनता को मिल रहा है। कांग्रेस के समय में स्थितियां बिल्कुल विपरीत हुआ करती थी। खनन माफिया मनमर्जी किया करता था, दाम भी मनमर्जी के तय होते थे, लाभ माफिया को मिलता था और जो नुकसान होता था वो जनता का होता था। देखिए, हमने इस बात को बहुत पहले कह दिया था कि ये जो नए मुख्यमंत्री तीसरे आए हैं, वैसे तो खनन को हो चाहे शराब को हो, सब चीज़ों को संरक्षण इनके तीनों ही मुख्यमंत्रियों ने दिया, लेकिन ये जो तीसरे वाले आए हैं, इनको पता है कि मैं आखिरी बैट्समैन हूँ, इनको पता है इसके बाद भाजपा ने सरकार बनाना नहीं है, तो वो खजाना भरने के लिए अपने कार्यकर्ताओं का, अपना खजाना, अपने नेताओं का, अफसरान का, उन्होंने ताबड़तोड़ खनन शुरू कर दिया है, पूरे पहाड़ के पहाड़ खोद कर रख दिए हैं। ये बात हम पहले ही खनन प्रेमी मुख्यमंत्री के रूप में कह चुके हैं और अब तो इस बात की तस्दीक या इस पर मोहर लगाने का काम किया है सरकार में शरीक खुद काबीना मंत्री हरक सिंह रावत ने। उनके वीडियो कल वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे, जिसपे वो कहते हुए पाए जा रहे हैं कि मैंने कई बार अफसरों से शिकायत करी, खनन हो रहा है मेरी विधानसभा क्षेत्र में, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई और बड़े बड़े गड्ढे पाए जा रहे हैं, खनन बदस्तूर जारी है। और ऐसे में आनन फानन में सरकार ने जो संबंधित अधिकारी था उसको निलंबित करने का या निष्कासित करने का या उसका ट्रांसफर करने का काम जो किया है, उसको लगने ये गड़बड़ हो। तो खनन अब उत्तराखंड में एक बहस का मुद्दा हो गया है और इस पर लगातार कांग्रेस हमलावर होती नजर आ रही है। तो वहीं 2017 में कांग्रेस के टिकट पर कैंट विधानसभा से चुनाव लड़े सूर्यकांत धस्माना 2022 में कांग्रेस की जीत के लिए आश्वस्त दिख रहे हैं और धस्माना की माने तो अगर पार्टी इस बार उन पर भरोसा दिखाती है तो कैंट की सीट निश्चित तौर पर कांग्रेस की झोली में ही आएगी। और इसी को लेकर हमारे संवाददाता ने सूर्यकांत धस्माना से खास बातचीत की है। 2022 के चुनाव नज़दीक हैं, तमाम राजनीतिक पार्टियां इस वक्त 2022 के चुनाव के लिए तैयारी कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए कैंट विधानसभा क्षेत्र से तैयारी कर रहे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सूर्यकांत धस्माना हैं, उनसे जानते हैं कि किस तरह की तैयारियां इस वक्त की जा रही हैं। खास बात आपसे ये रहेगी कि जिस तरह से कैंट विधानसभा क्षेत्र बीजेपी के कब्जे में रही है लगभग 40 साल से, अगर आपकी अगर बात करें तो किस तरह की तैयारियां हैं, किस तरह की क्या चीज़ें लेकर के आप जनता के बीच आएंगे? पहले तो मैं आपकी जानकारी दुरुस्त कर दूं, कैंट विधानसभा बनी ही 2012 में, तो 40 सालों से भाजपा के कब्जे में कैसे रहेगी। कैंट विधानसभा का जब परिसीमन हुआ 2012 में, तो
तीन विधानसभाओं के हिस्से, एक हिस्सा मसूरी का जिसमें प्रेमनगर छावनी परिषद का इलाका आता है, दूसरा हिस्सा लक्ष्मण चौक विधानसभा का जिसमें कांवली का इलाका आता है, इंदिरापुरम का इलाका आता है, गांधी ग्राम का इलाका आता है, ये सारे इलाके आते हैं, और तीसरा हिस्सा देहरा खास का। ये तीन विधानसभाओं के अलग अलग हिस्से मिलकर के कैंट विधानसभा बने, और कैंट विधानसभा के नाम से पहला चुनाव 2012 में हुआ। 2012 में और 2017 में भाजपा जरूर जीती, लेकिन उससे पहले 2007 में और 2002 में मसूरी और लक्ष्मण चौक के हिस्सों में कांग्रेस के विधायक थे। तो इसलिए मैं समझता हूँ ये कहना सर्वथा अनुचित होगा कि वो भाजपा के कब्जे में 40 साल से है, क्योंकि वहाँ पे विधायक जो लड़े दो बार 2012 में और 17 में, वो 32 वर्षों से विधायक शहर में थे, राज्य बनने से पहले 4 बार और राज्य बनने के बाद 4 बार। अभी उनका देहावसान हो गया, दुखद घटना हुई, उनकी मृत्यु अभी हाल ही में हुई है, लेकिन कैंट विधानसभा में 2 बार चुनाव हुए और दोनों बार वहाँ पर भाजपा के विधायक जीते। तो हम ये कहेंगे कि कैंट विधानसभा में पिछले 10 वर्षों से भाजपा का कब्जा है। अपने टिकट को लेकर के मैं पिछली बार 2017 में चुनाव लड़ा था और दूसरे नंबर पे था, उस समय हालात जो पूरे प्रदेश में हैं, बड़े बड़े दिग्गज चुनाव हार गए, माननीय मुख्यमंत्री जी 2 जगह चुनाव हार गए, प्रदेश अध्यक्ष के हमारे चुनाव हार गए, हमारे देहरादून में जो मिनिस्टर्स थे वो चुनाव हार गए, इसी प्रकार से पूरे राज्य में हम लोग सरकार से सीधा 11 विधायकों पर आ गए, तो पूरे प्रदेश के हालात ऐसे थे कि हम लोग चुनाव नहीं जीत पाए, लेकिन उसके बाद पूरी पार्टी ने मेहनत करी है। मैं समझता हूँ पार्टी को अगर पार्टी अवसर देगी तो हमने, क्योंकि पूरे 5 साल निरंतर वहाँ पर काम किया, 154 बूथ है, 154 के 154 बूथ पर मैंने लगातार पिछले 5 वर्ष मेहनत करी है। पूरे कोरोना काल में जब मुख्यमंत्री अपने घर में कैद थे, उस समय हम ऑक्सीजन के सिलेंडर लेकर के लोगों की रक्षा कर रहे थे, दौड़ रहे थे, रेमडेसिविर के इंजेक्शन के लिए लड़ रहे थे, लोगों को मास्क सैनिटाइज़र बांट रहे थे, लोगों के बीच में सेवा कर रहे थे। तो मैं समझता हूँ कि पार्टी अगर हमारी मेहनत को देखेगी और हमको टिकट देगी तो निश्चित तौर पर इस बार हम सीट कांग्रेस की झोली में डालेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे सूर्यकांत धस्माना जो कैंट विधानसभा से अपने चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि उनको कांग्रेस पार्टी टिकट दे। अपने सहयोगी रमन जायसवाल के साथ हरीश खनड़ा, एनबी न्यूज़ देहरादून। तो एनबी न्यूज़ में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी है। पंजाब सरकार ने पिंडां अते शहरां दी लाल लकीर दे अंदर बने घरां विच रहण वाले लोकां नूं मालकी हक देण लई मेरा घर मेरे नाम स्कीम दी शुरुआत कीती है, जो कि एक वड्डा फैसला है। इस स्कीम नूं लैके मुख मंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि इह स्कीम सारे लोकां लई, खास करके लोड़वंद अते पिछड़े वर्ग लई वधेरे लाभदायक साबित हो रही है। वैसी स्कीम लेके आए कि मेरा घर मेरे नाम, जिन्हें पिंडा दे विच लाल लैन दे अंदर घर है सारे थोड़े अपने नाम कर देने, मेरा घर मेरे नाम, लाल लैन दे अंदर दे जिन्हें मकान है उन्होंने ड्रोन दे नाल नक्शे बना के जिथे जिथे तुसी काबज हो वो कब्जे दे आधार ते असी थोड़े नाम ते रजिस्ट्रियां करनियां शुरू करतियां, कोई पैसा थोड़ा नहीं लगना, सारा सरकार वालों थोनू सनदा बना के असी देनियां। दरअसल ये स्कीम पहला सिर्फ पिंडा विच रहण वाले लोगों लई ही शुरू कीती गई सी, पर हुण इस स्कीम नू लाल लकीर खेत्र विच पैंदे शहरां दे योग वसनीकां तक वधाया गया है। इस तों इलावा मुख मंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि पुराने मुहल्लियां विच लंबे समय तों बने घरां विच रह रहे लोकां नूं वी इस स्कीम तहत शामिल करके इस दा लाभ दिता जा रहा है, ते बसेरा नां दी इक होर स्कीम दे तहत लाल लकीर तों बाहर झुग्गी झोंपड़ी वाले खेत्रां विच रहिंदे लोकां नूं वी मालकी हक दिते जा रहे ने। पंजाब दे विच बसेरा स्कीम लेके आंदी है जिदे तहत जिन्नियां पुरानियां बस्तियां
चाहे कोई बगाला बस्ती बनी हुई है, चाहे कोई होर बस्ती बनी हुई है, सलाम मेरी है सारे उन्होंने दी जमीन ऐसी दे रहे हैं, इस स्कीम ऐसी लेके आए है। जिक्र योग है कि मुख्यमंत्री खुद भी कई बार अपने संघर्ष दे दिनां दी चर्चा कर चुके ने ते इसी दा नतीजा है कि वो गरीब ते बेसहारा लोगां दी मदद लई हमेशा तत्पर रहिंदे ने। ब्रेक के बाद आप उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। खबर देहरादून से है जहां पीआरडी के जवान अपनी मांगों को लेकर पिछले कई महीनों से धरना दे रहे हैं और धरना कर रहे जवानों से उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत धरना स्थल पर जाकर मिले और उन्हें आश्वस्त किया कि अगर उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार आई तो पीआरडी के जवानों की मांग पूरी की जाएगी। आपको बता दें कि प्रशिक्षित पीआरडी जवान साल भर रोजगार और राज्य कर्मचारी का दर्जा लेने समेत कई मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं अब उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत आज उनसे मिलने पहुंचे थे। और जनता का कोई ख्याल नहीं और मुझे लगता है आज एक दो दिन में जो जारी होगा। तो उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी के आगामी विधानसभा चुनाव में महिलाओं की टिकट को लेकर 40% आरक्षण देने की बात अब उत्तराखंड की महिलाएं भी पुरजोर तरीके से उठा रही हैं। राजपुर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस नेत्री आशा टमटा ने एनबी न्यूज पर कहा कि वह जनता के बीच कई मुद्दों को लेकर जाएंगी और जिसमें से महंगाई रोजगारी तो रहेगा ही, इसके साथ ही विधानसभा क्षेत्र में आने वाली दिक्कतों से लोगों की परेशानियों को भी मुद्दा बनाया जाएगा और इसी के साथ उन्होंने अपने टिकट की भी मांग की है। आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर के तमाम राजनीतिक पार्टियां अपना अपना दावा कर रही हैं विधानसभा सीट की तैयारियों को लेकर के। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए आशा टमटा जी हैं जो राजपुर क्षेत्र से तैयारी कर रही हैं विधानसभा सीट और कांग्रेस की नेत्री रही हैं। उनसे बात करते हैं कि किस तरह की तैयारियाँ उनकी चल रही हैं, क्या कुछ मुद्दे लेकर के वो जनता के बीच में जाएंगे। जी मैडम, पहला सवाल तो आपसे ये है कि जिस तरह से टिकट को लेकर के आप दावेदारी कर रही हैं तो क्या कितना मान रही हैं आप कि आपको टिकट कांग्रेस पार्टी देगी? एक्चुअली उत्तराखंड जो बना है महिलाओं के बहुत सक्रिय योगदान की बदौलत बना है और मुझे लगता है जो प्रतिनिधित्व आज महिलाओं को दिया जा रहा है, मैं कांग्रेस पार्टी के अलावा अन्य पार्टियों की भी बात करूँगी, सभी जगह बहुत कम है। तो पहली बात तो ये है कि यूपी में जो प्रियंका गांधी जी ने 40% महिलाओं को टिकट देने की जो प्रतिज्ञा ली है, तो मेरा ये मानना है कि यहाँ के नेतृत्व को भी इस बारे में सोचना चाहिए और 40% महिलाओं का टिकट सुनिश्चित करना चाहिए। और इसे लेकर दूसरी बात यह है कि जहाँ तक महिलाओं की विनेबिलिटी की बात आती है, महिलाएँ उत्तराखंड की बहुत कर्मठ हैं। मैं भी राजपुर रोड विधानसभा क्षेत्र से तैयारी कर रही हूँ और 2014 से लगातार मैं इस विधानसभा में काम कर रही हूँ। इस तरह से हम बात करें तो किन किन मुद्दों को लेकर के आप जनता के बीच में जाएगी अगर आपका टिकट हो भी जाता है? सबसे जो बहुत महत्वपूर्ण जो मुद्दा मुझे लगता है वो लगता है बेरोजगारी का। बेरोजगारी है, महंगाई है और ये सरकार खनन माफिया को लगातार अपने पूरे टेन्योर में इन्होंने संरक्षण दिया है, जिसकी वजह से जो हमारी जियोग्राफिकल कंडीशन है उत्तराखंड की, उसके साथ तो छेड़छाड़ हो ही रही है, तो राजस्व की हानि भी हो रही है। इसके अलावा और भी कई मुद्दे हैं जो आम जन के मुद्दे हैं, जैसे गृहिणियों के मुद्दे आप लगा लीजिए, सिलेंडर के रेट कहाँ पहुँच गए हैं। यूपीए के समय जो था बहुत इजी था, सब्जियाँ बहुत महंगी हो गई हैं, मतलब आम जन का जीना दूभर हो गया है। बीजेपी तो ये सीट जो है राजपुर जो विधानसभा है वो बीजेपी के कब्जे में है और वहाँ से कई बार विधायक रहे हैं जो बीजेपी के पद, किस तरह से आप उनको जो काम है जो जिस तरह से उन्होंने जो काम नहीं किए होंगे या फिर जो किन किन मुद्दों को लेकर के आप जनता के बीच? देखिए क्षेत्र में लगातार भ्रमण हो रहा है और क्षेत्र से जो जो क्षेत्र की जनता की आवाज़ है कि परिवर्तन होना चाहिए,
भारतीय जनता पार्टी से। मैं स्थानीय विधायक की भी बात करूंगी और सभी विधानसभाओं में यही हाल है कि भारतीय जनता पार्टी से आम जन बहुत नाखुश है। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के। तो ये थी आशा टमटा जी, जिनका सीधे तौर पे कहना था कि 2022 के चुनाव में कई मुद्दों को लेकर के वो जनता के बीच में जाते हैं और जनता परिवर्तन चाह रही है। अपने सहयोगी रमन जायसवाल के साथ हरीश खंडा, एनबी न्यूज़ देहरादून। वहीं लालकुआ में अवैध खनन और अवैध परिवहन को लेकर वन विभाग पूरी तरीके से सख्त हो गया है और वन विभाग की टीमें लगातार छापेमार कार्रवाई कर रही हैं। बीते सप्ताह में डौली रेंज की वन विभाग ने अवैध उपखनिज से लदे ट्रकों को पकड़कर सीज किया है और वन विभाग की इस कार्रवाई से अवैध खनन कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ है। शासन स्तर से अवैध खनन पर कड़ी रोकथाम के चलते प्रभागीय स्तर से भी हमको निर्देश प्राप्त हुए हैं। उसी के क्रम में डॉली रेंज के द्वारा कड़ी जो अवैध खनन करने वाले वाहन हैं उन पर कड़ी जांच की जा रही है हर वाहन की। और इसी के क्रम में पिछले हफ्ते एक सप्ताह में डॉली रेंज द्वारा 4 वाहन हाईवा बड़े सीज किए गए हैं। प्राथमिक रूप से सूचना ही मिल रही है कि ये बाजपुर क्षेत्र और रामपुर क्षेत्र से ये अवैध अभियान करके वन उपज की चोरी की जा रही थी और शीघ्र ही एक हमारी डिवीज़न की गश्ती दल भी एक तैनात है और हमारी रेंज की टीम भी तैनात है, तो संयुक्त रूप से भी कार्रवाई की जा रही है और शीघ्र ही बड़ी कार्रवाई भी हो। वन अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। आगे ये अभियान लगातार जारी। तो पिछले 2 दिनों से लगातार बढ़ती ठंड और गिरते तापमान ने लोगों को बेहाल कर दिया है। अब ऐसे में लोग ठंड को दूर करने के लिए सिर्फ आग का सहारा ले रहे हैं और जिला उधम सिंह नगर के जसपुर में लोग जगह जगह अलाव का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं बढ़ती ठंड से राहगीरों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। शीत लहर चल रही है, 2 दिन से बहुत बहुत दिक्कत पड़ रही है ठंड में, आग का सहारा लेना पड़ रहा है और कोहरे की वजह से बहुत परेशानी पड़ रही है। बच्चों को स्कूल में पहुँचाने के लिए भी परेशानी पड़ रही है। इधर तो ठंड से बहुत थक बैठ रहा है, दुकानदार तो आ रहे हैं लेकिन ग्राहक नहीं आ पा रहे हैं घर से निकल कर के, और आज ठंड काफ़ी है इसकी वजह से ग्राहक सुबह से ही नहीं है मार्केट में, दुकानदार सब खाली बैठे हैं, सिर्फ शीतलहर चल रही है और सुबह से ही आज बहुत ठंड है, काफ़ी ठंड है। शीतलहर की वजह से ठंड में ग्राहक निकल पा रहा है जी, नहीं अभी नहीं ठीक हुई है, आज तो कुछ दिखाई नहीं दिया लकड़ी का, कोई मंडी में क्या और कहीं भी नहीं दिखाई दिया। तो वहीं उधम सिंह नगर के सुचारगंज राजस्व प्रशासन ने 24 घंटे में अवैध खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। SDM और तहसीलदार ने खनन क्षेत्र में छापेमार कार्रवाई कर 10 ट्रक ट्राली सीज कर दी है। तो वहीं आपको बता दें कि SDM तुषार सैनी और तहसीलदार शुभांगिनी ने क्षेत्र में अवैध खनन होने की लगातार मिल रही शिकायतों के खिलाफ चेकिंग अभियान चलाया है और 10 खनन वाहनों को पकड़ा है, जिससे खनन माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। SDM तुषार सैनी ने बताया कि अवैध खनन की मिल रही शिकायतों पर छापेमारी के दौरान सिसोना गाँव सहित बरुआ बाग में मुख्य सड़क पर चेकिंग के दौरान 10 ओवरलोड ट्रैक्टर ट्रॉली पकड़ी गई। इनमें से 70 क्विंटल खनन सामग्री की अनुमति थी लेकिन ट्रॉली में करीब 150 क्विंटल ओवरलोड खनन सामग्री लदी थी। दस ट्रॉलियां हमने कल जो अभियान चलाया उसमें पकड़ी है, लगभग 4 में जो है वो रॉयल्टी नहीं है, बाकी ट्रॉली जो है वो जो उनकी कैपेसिटी है उससे बहुत अधिक मात्रा में भरी है। इनमें सभी में जो है वो नियमानुसार हम जुर्माना करके अधिरोपित किया जा रहा है। अभी एक मौके पे भी कई लोगों की शिकायत आ रही थी कि अवैध खनन और भी चला, ओवरलोड और भी चला है और कार्रवाई भी की जा रही है, उसके बाद भी नहीं लोग नहीं मानेंगे तो आगे भी क्या? इसमें पहले भी हमने टीम बनाई हुई है पहले से ही और समय समय पर जो है छापेमारी चलती रहती है, आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। तो अपने उत्तराखंड में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की अहम खबरों के लिए बने रहिए NB News के साथ। नमस्कार।